हाय फ्रेंड्स, मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेवन फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आर्मी ऑपरेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट आर्मी ऑपरेशन की आज हम डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं। आप निश्चित तौर पर इसे एक कॉपी में नोट करके तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में कभी सुमेलित करने के लिए आ जाता है, कभी पूछता है किस सन ये ऑपरेशन कब किया गया था या किस जगह से रिलेटेड है, तो बिल्कुल इसको तैयार कर लेते हैं। ऑपरेशन से पहले बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था हैदराबाद को अपने अंडर में लेने के लिए। किसको लेने के लिए अपने अंडर में? हैदराबाद को अपने अंडर में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शासन निजाम का था। निजाम भारतीय संघ के साथ विलय करना नहीं चाह रहा था, इसलिए वहां पे आर्मी ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम दिया गया पोलो। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। 1961 में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ये जो है पुर्तगीज जो थे वो भारत, अंग्रेज चले गए थे उसके बाद भी पुर्तगीज यहाँ पे थे, उनको भगाने के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में। और 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, कारगिल वार से जो रिलेटेड था। ऑपरेशन विजय दो बार चला, एक 1961, दूसरा 1999 में चलाया गया, जो कारगिल वार से रिलेटेड था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, वो है मेघदूत। 1984 में चलाया गया था मेघदूत। ये किसके किस क्यों चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय जो है भारतीय ने अपने झंडे को फहराया था, सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था भारत ने, जो है अपने वहां पे अपने अधिकार को प्रदर्शित किया था, तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत, उसको नाम दिया गया सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंडर में दिखाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र में करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था मेघदूत। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन चेकमेट और ऑपरेशन जो है, ये जो चारों ऑपरेशन किए गए, पवन, विराट, त्रिशूल और चेकमेट, ये चारों ऑपरेशन जो थे ये श्रीलंका से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड थे? श्रीलंका से रिलेटेड थे। श्रीलंका में जो है पीस कीपिंग के लिए चारों जो है ऑपरेशन किए गए थे, पवन, विराट, त्रिशूल और चेकमेट। पवन 1987 में, विराट 1988 में, त्रिशूल भी 1988 में, अचिकमेट भी जो है 1988 में जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे भेजी गई, जिससे कि वहां पे पीस को एस्टेब्लिश किया जाए। आते हैं नेक्स्ट पे, ऑपरेशन विजय 1999 में कश्मीर वार से रिलेटेड है, बता चुका हूं। आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन गुडविल। जैसा कि आप सब जानते हो गुडविल मतलब होता है ख्यात, प्रसिद्धि या अच्छाई। तो ये वास्तव में क्या है? यहाँ पे मानवता को जन्म देने के लिए, मानवतावाद को बढ़ाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन गुडविल चलाया गया था। ह्यूमैनिटेरियन टास्क के लिए जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन गुडविल चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गुड समेरिटियन। ये ऑपरेशन गुड समेरिटियन क्या है? ये भी जो है ह्यूमैनिटेरियन टास्क को जो है बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, लेकिन ये कहां चलाया गया था? मणिपुर और नागालैंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला ऑपरेशन है सूरी होप, इंपॉर्टेंट है सूरी होप ऑपरेशन, एग्जाम में पूछा जा चुका, पीसीएस में आ चुका प्रश्न है। यह ऑपरेशन सूरी होप जो है चलाया गया था 2013 में, और ये नॉर्थ इंडिया फ्लोर से रिलेटेड है। किसे है? जब उत्तराखंड में जो बाढ़ आया हुआ था उस समय जो है लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सूरी होप चलाया गया था 2013 में। ऑपरेशन ऑल आउट चला गया था 2015 में, बोडो जो उग्रवादी थे उनको भगाने के लिए। ये असम में चलाया गया था, बोडो उग्रवादी को भगाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था? असम में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2015 में। अगला है ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर भी चलाया जा रहा है। वो कब से चलाया गया? 2017 से इसे चलाया जा रहा है, अभी भी चल रहा है। कश्मीर में, कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर चलाया जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आर्मी ऑपरेशन थे। और भी जैसे ब्लू स्टार हुआ, 1984 में चलाया गया था ब्लू स्टार, ये स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड था। ठीक है, ऑपरेशन टार्नेडो, ब्लैक टार्नेडो, वो जो है किससे रिलेटेड था? और साइक्लोन, ब्लैक टार्नेडो और साइक्लोन, ये दोनों जो है मुंबई अटैक हुआ था उससे रिलेटेड है। तो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उससे रिलेटेड जो है टार्नेडो और साइक्लोन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो ऑपरेशन थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।